हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एकांश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रिवीजन एक्सरसाइज के बारे में, और जिसका नाम है एक्सरसाइज फर्स्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल। ये हमने फोर्थ क्लास के अंदर पढ़ा है, ठीक है। अब इसको हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ क्लास के अंदर, तो हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है, क्योंकि आपके फिफ्थ क्लास में आपके 100 से ज़्यादा रोमन नंबर आएंगे। आपने फोर्थ में 100 तक पढ़ा है। तो देखिए, रोमन नंबर का बेसिक होता है, आपको 1 को आई लिखते हैं, 2 को 2 आई लिखते हैं, आई बोलते हैं नॉर्मली, दो लाइन खींचते हैं। तो आप डायरेक्ट 18 का करते हैं, आपको आता होगा 18। तो 18 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, ये तो हो गया 10, ये हो गया 5 1 1 1। इसका मतलब 10 में क्या प्लस कर दिया, 8, तो ये क्या बन गया, 18, ठीक है। अब 26 को कैसे लिखोगे, 10 मतलब 10, 20 हो गए 6 5 और 1, ये हो गया 26। बात करते हैं 33 की, 33 तो x, 10 10 10 और 3 i, ये हो गया 33। अब बात करते हैं हम d की, जिसका नाम है 39। 39 को कैसे लिखोगे, x x 3 x 5 x x 5 और i x। ये तो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 3x और ix, ix किसको करेगा, 9 को, मतलब 10 में से एक कम, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आपको लॉजिक समझा देता हूँ। जब भी कोई नंबरल हो, जैसे c है, c किसको डिनोट करता है, 100 को, तो इसके लेफ्ट साइड लिख रहे हो इसका मतलब कम हो रहा है उससे, और राइट साइड लिख रहे हो तो उसका मतलब ज़्यादा, ठीक है। ये रूल होता है रोमन नंबर्स में, ध्यान रखना। C का मतलब होता है 100, L का मतलब होता है 50। अब बात करते हैं हम 44 की, देखिए ये आ गया 44। तो वैसे ध्यान रखना, आप 3x से ज़्यादा कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। एक डिजिट को 3 से ज़्यादा कभी बार रोमन नंबर में आप कभी डिनोट नहीं कर सकते। तो 44 लिखना है तो कैसे लिखूँगा मैं, ये रहा L, L में से कितना कम, 10, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, 40 को। L में से कितना कम, 10, तो ये 40 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब कितना ज़्यादा है, 44, तो आगे यहाँ पे 4 लिख दीजिए। 4 कैसे लिखोगे आप, ये 4, 5 में से 1 कम, तो पूरा क्या हो जाएगा, ये XL 1, ठीक है। अब बात करते हैं हम F, क्योंकि L के राइट साइड लिखा, इसका मतलब 10 ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 77 की, जी है आपके 77, ये लीजिए 77। तो 77 को कैसे लिखोगे, L X X और 77, ये 7, ये तो हो गया इसका रोमन नंबर, ठीक है। L डबल X 5 डबल, ठीक है, ये हो गया 77। अब बात करते हैं 82 की, 82 तो L X X 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो 80 तो लिख सकते हो, 2 का मतलब ये रहा, ये हो गया 82। अब बात करते हैं हम 92 की, आई क्वेश्चन है आपके 92, तो 92 को कैसे लिखोगे, C 100 में से कितना कम, X, और कितना है 92, ये रहा 92, ठीक है। X C डबल I J 99, कैसे डिनोट करोगे बच्चों, L C, C में से कितना कम, X, और 99 है, 99 को 9 को कैसे लिखते हैं, I X, ये हो गया X C I X, ये डिनोट कर रहा है 99 को। अब आपके अगला क्वेश्चन है, आपको हिंदू अरेबिक में लिखना है रोमन नंबर्स को, तो देखिए कैसे लिखते हैं, आपने किया है। इसके लिए मैं
यहाँ पे चार इक्वेशन ले रहा हूँ, बाकी सब आपको आपका होमवर्क है वो आपको करना है। मैं आपको 1 से 100 की लिस्ट दे दूंगा अभी वीडियो के अंदर ही, उसको देख के लिख लेना आप, पहले खुद प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एल एक्स वी और आई, मतलब एक्स के इस साइड ऐड करना, एल का मतलब होता है 50, तो ये कितना हो गया 50 और 10 60, 65 और 66, इसका कितना हो जाएगा 31, 3x है और एक i है, इसका कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है मतलब c कितना होता है 100, 100 में से कितना माइनस हो रहा है 10, तो 100 में से 10 माइनस होता है तो 90, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 50, 10, 10, 10, 80 और ये हो गया 81। तो देखिए हमारे कुछ बेसिक रोमन नंबर थे जो हमने फोर्थ क्लास में पढ़े हैं। अब आपको जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक यू सो मच।